अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो आज कहाँ पे है भाई? हम कमाडीपुरे पे है भाई आज। माशाल्लाह बहुत ही नायाब क्वालिटी का बकरा है, पिंक स्किन में है, अबलख कलर में है, पंच फेस में है, खुला साफ कान है, वाइट आइस में है। किस लाइन का बकरा है भाई ये? आज़ाद लाइन का है भाई। आज़ाद का बेटा गब्बर है, गब्बर का बेटा ये आ रहा। इसका नाम क्या है भाई? ये वन प्लस वन है भाई। वन प्लस वन इसका नाम आ रहा। बहुत ही नायाब क्वालिटी है। नॉर्मली ऐसा होता जब भी आज़ाद लाइन के है बोल के बताते, तीन से चार पीढ़ियाँ पांच पीढ़ियाँ पीछे के रहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट गब्बर का बेटा है, यानी आज़ाद का डायरेक्ट पोतरा आ रहा है। और कान की सफाईत, कान की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। कान कितने आ रहे हैं इसके? रहते भाई 1960 है भाई। 1960 कान आ रहे हैं इसके। 19 इंचेस लेंथ है, 8 इंचेस की कानों की विड्थ है, पंच फेस में है। कितने दांत पे है भाई ये? 6 दांत पे है भाई। 6 दांत का बकरा है, यानी जवान है, सिर्फ 2 साल के आसपास की एज है इसकी। बराबर। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ शो क्वालिटी वीडियो है, सेल पर्पस की वीडियो नहीं है। लोगों को शौक कराना इस वीडियो का पर्पस है। इंतहाई खूबसूरत और नायाब बकरा है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा आज़ाद के बारे में, लेकिन आज़ाद की करीबन आपको आज की तारीख में जितनी भी नस्ल मिलेगी, 5-6 पीढ़ियों बाद की नस्ल मिलेगी, ये डायरेक्ट पोतरा है आज़ाद का। आज़ाद का डायरेक्ट बेटा था गब्बर, जो कि गुलाबी में हैवी वेट में काफ़ी बेहतरीन कान क्वालिटी का बकरा था। वो हैदराबाद में काफ़ी लोगों ने उसकी नस्ल ली है, उसी का ये डायरेक्ट बेटा आ रहा। गब्बर का बेटा है ये, बराबर है ना भाई? बराबर, गब्बर का बेटा आज़ाद का पोतरा है भाई। चेहरा बहुत ही नायाब है, पंच फेस में है, पिंक स्किन में है, वाइट आइस में है। कान क्वालिटी, कान की सफाईत भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा जानवर दिखाना आज की इस वीडियो का पर्पस था। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।